शाबाशी तो आपको देना पड़ेगा। क्या जिगरा, हमरे पिंजरे से हमरी मैना को छुड़ाने आ गया, वो भी अकेले। लेकिन हम जाने नहीं देंगे। रे भैया देख कर रहा है, मार तबियत से, अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सके, मार तब। रिंकी जी आप हमरा चिंता मत कीजिएगा, मौका मिलते ही महुआ को लेके भाग जाइएगा। पीडीओ बाबू, नाहर सिंह भाग रहा है। भाग कर जाएगा कहाँ? अरे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, चलिए चलिए सब लोग। कोई कहीं नहीं जाएगा। ए महाराज, आप लोग का मातम का माहौल बनाए हुए हैं, जाइए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। जाइए ना भाई। जी जी अभी लाते। अरे प्रेम ग्रेस प्रभात, चल सर क्या हम लोग जा रहे हैं हवेली वापस। तब से अम्मा बैठी हुई है, थक गई होंगे, ले जाके आराम करवाएंगे। आप यहाँ पे बैठिए, चाय पीजिए और पिलवाइए सबको। अम्मा चलिए तो चले हम लोग। अनारू जी देखिए, खेला मत कीजिए, आप अच्छी तरह से जानती हैं इस समय ऐसे जाने का मतलब। स्वीटी अरे समझा ना अपनी माई को। ऐसा कीजिए ना, आप अंगना में चलिए ना, थोड़ा आराम कर लीजिएगा। और अम्मा जी को अगर लेट ना है तो सब इंतजाम है। समझी जी आप कौनो चिंता मत कीजिए, हम लोग अभी जाएंगे, आधे घंटे के अंदर महुआ को लेकर आएंगे। आप ऐसा कीजिए, जाके निमकी को कहिए तैयार होके आ जाए मंडप में बैठे। मगर निमकी दीदी तो घर पर ही नहीं है। अरे तो कहाँ गई निमकी? गजबे तमाशा है भाई, का हो रहा है का नहीं हो रहा है किसी को कुछ पते नहीं है। ये का खेला चला है राम बच्चन जी, निमकिया को जाने का क्या जरूरत था? हम लोग मर गए का? और एक बात बताइए हमको, ये वीडियो काहे रोक रहा है हम सबको? कान खोल के सुन लीजिए कि हम लोग पर ना वो वीडियो का रुआब चले उलेगा नहीं। उनसे कहिए तन कि अपना नकिया ना कम घुसड़े। ठीक है तो कह रहे हैं ये लोग राम बच्चन, तेतर सिंह का सामने अच्छा अच्छा लोग घुटना टेकता है, उनको रोक के वीडियो बाबू चले गए और महुआ का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तुनुआ कहाँ चला गया? यही समय पर उसको गायब होना था। ए बाबू बाबू आप ही कुछ कीजिए ना अपनी निमकिया के लिए। हाँ हाँ हम जाते हैं। डायमंड जरिया चलो। हमको बचा, बचा लो, हमको माफ कर दो। देखो वीडियो बाबू,
बचा लो रामचंद्र। अच्छा तो तुम ले गए थे इनकी बेटी को। टिंकू तू ठीक है ना? हाँ मासी हम ठीक है। ए झरिया उल्टा टांग ही ससुरे कोई पेड़ में है और सब बच्चा लोगों से बोलो उछाना लगाए। तुम्हारा इतना हिम्मत? इतना कैसे गिर सकते हैं आप नार सिंह जी? ये बच्चा लोग चाचा समझ के प्यार दी थी, हमसे बहुत बड़का गलती हो गया राम बच्चा। क्या करें, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता। हम तुमसे और निमकी से इतना बिदक गए थे कि ये भी भूल गए कि बच्ची लोग हमको इतना सम्मान आदर और प्यार दिया। हो सके तो हमको माफ कर देना, नहीं तो हमको पुलिस के हवाले कर दो। तो तुमको क्या लगता है इसे छोड़ देंगे? तुमको पहले तुम्हारा कोटाई होगा फिर पुलिस के हवाले करेंगे। दरिया जी भैया चल पकड़ चल। रहने दीजिए ना बाबूजी। ये जैसे भी हैं ये हमारे गांव के आदमी हैं, अपने हैं, जाने दीजिए ना बाबूजी। अरे मगर प्लीज हमारे लिए। ये मोहब्बत हमरा एक बार कहने पर आप हाथ छोड़ दिए, मदर इन लॉ आपका बेटा तो गया आपका हाथ से। देख रहे हैं नरसिंह जी, आपके इतना नीचा गिरने के बावजूद निमकी जी आपको बचा रही हैं। हो सके तो आप कम से कम इस जज्बे का लिहाज रख लीजिएगा। अरे सब प्रवचन मत कीजिए रामचंद्र जी, पहले इसको यहां से भगाइए भगाइए और रसम शुरू करवाइए आप लोग। चलिए चलिए जल्दी कीजिए भाई, ऐसी देर हो रहा है। आप चलो रसम शुरू करते हैं, जल्दी चलो। अरे इस्माइल भाई और पंडित जी को देखिए ना, देखिए कहीं सो ना गए। जी जी बुला के लाते हैं। अरे देवर जी स्टेज पे चलिए अब, और माँ जी दादी दीदी चलिए अब थोड़ा हिलिएगा तो मच्छरों कम काटेगा ना, चलिए अब। अरे नहीं रुकिए भाई, अरे निमकी बेटा अब तो सब ठीक है ना? कुछ हो ठीक नहीं है। देखिए हमको ये भाग दौड़ में हमारा मेकअप पुराना हो गया है। तो फोटो में फ्रेश नहीं लगेंगे ना हम। शादी का मामला है, थोड़ा समझिए भाई। मेकअप फ्रेश करना तो बनता है ना। ए मऊआ चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ, हमरे बगल में खड़े होकर ऐसा फोटो खिंचाओगी ना तो फोटो खराब हो जाएगा। चलो
आई सीड। हाँ इलो मस्कारा भी धो जल्दी। कहाँ है दीदी? मोनू हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो भाई। हाँ इलो मिल गया, इलो। ताकि बहुओं को भी बोल दो कि तैयार हो जाए, जाओ। हाँ तुम अभी तक ऐसे ही हो। अरे जाके कपड़ा बदलो अपना, और अगर कपड़ा नहीं बदलना है तो कम से कम मुंह तो धो लो जाके महुआ। देख बहन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और आज अगर शादी नहीं हुआ ना तो कहीं पंडित मुहूर्त का चक्कर ना डाल दे। जाओ जाके कपड़ा बदलो। सिंह कुछ उसका बाप का इतना हिम्मत है का कि वो हमको हाथ लगाएगा? तो रो का ही रही हो तुम? दीदी तुम हमरे लिए अपना शादी तोड़ने को तैयार हो गई थी? हाँ तो इतना चाहती हो तुम हमको? हम सारा जिंदगी तुमको खुद गर्ज बोलते रहे और तुम हमरे लिए बब्बू जी से शादी करने को मना कर दी। Excuse me, हूँ बब्बू जी एज? पहले तुम फिर बब्बू जी, बुझी? दीदी हम बोले थे ना, दीदी बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। हाँ बाहर से राम बच्चन की नखरीली बेटी और भीतर से माई है। हम दोनों की हमको माई बनना चाहिए था तुम्हारा भवा, मगर हम बन नहीं पाए। कहाँ करते, कमजोर थे ना हम। अगर तुम बन गई सबकी माई और हमरे जाने के बाद एक तुम ही तो हो जो एक घर में सबका ख्याल रखेगी। तुम तो पापा की भी माई हो। आज तो दीदी रो देगी। अर्थात हम काहे रोएंगे? हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ भाई वैसे ही इतना टाइम वेस्ट कर दिए हैं हम। बैठो बैठो तुम भी। तुम्हारा भी टचअप कर ही देते हैं भाई। दीदी हमको नहीं करना है। अरे तुमको बोले हैं ना हम दुल्हन की बहन हो, हमरे बगल में बैठ के ऐसे फोटो खिंचाओगी ना तो फोटो ही खराब कर दोगी। नौकरवा ऊपर के का खाना लेके जा रहा है।
लीजिए माँ जी, हो रहा है खेला शुरू। चुप रहोगी तुम? क्यों साले, अच्छा लग रहा है ना? देखो भगिना के ब्याह है, थोड़ा मुस्कुराओ। कहे दीदी मना किए हमको? तेतर सिंह जी, डब्लू बाबू को ज्यादा बीमार है का? तेतर सिंह जी, डब्लू बाबू दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो दरअसल उसको वायरल फीवर हो गया है, तो घर ही रह गया। हाँ तो साथ में कोई है कि अकेला हवेली में छोड़ के आ गए? अरे भाई, पूरा हवेली है, नौकर जाकर है। तेरे के बाद वो बड़की दुल्हन भी चली जाएगी, चली जाना बेटा। हाँ दीदी, ये का है? ओइल, तमाम जी का आरती नहीं उतारोगी का? हम तो कब से बेकरार हैं इनका आरती उतारने के लिए। मगर हमरा आरती उतारने के बाद ये भी उतारेंगे ना हमरा आरती? दीदी तुम तिलक करो ना। अम्मा, अब हमसे ये सब देखा नहीं जा रहा। दीदी हाँ? सामने देखो। हाँ देखो, एक को फोटो खराब आया ना, तो बूझ लो। शादी लाइफ में एक ही बार होता है ना?